हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो रेसिपी है वो स्मॉल फिश फ्राई है, जो कि मेरी मम्मी आज बनाने वाली है, जो कि आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही प्रोटीन है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जो मछली है इसको हमें अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए मेरी बेटी को, इसको ये स्मेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो नाक बंद करके बैठी है। तो मछली को तो हमने अच्छी तरह से अभी साफ कर लिया, अभी इसको बस हम पानी से इसको साफ करना है। बहुत ही अच्छी तरह से इसको साफ करना चाहिए। तो मछली में अभी हम 2 छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये है सरसों का पेस्ट। सरसों का पेस्ट मम्मी ने बनाई है, सरसों, लहसुन और हरी मिर्च से ये पेस्ट बनाई है। तो अभी इससे 2 चम्मच हमें मछली में अच्छी तरह से मिलाना है। और स्वाद अनुसार नमक भी डालेंगे। तो सारे मसाले इसमें हमने मिला लिया है, अभी इसको हम 15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो आज जो है मम्मी आज चूल्हा में बनाने वाले हैं। तो चूल्हे के ऊपर ये तवा को हमने गरम कर लिया है। तवा गरम भी हो गया है और अभी इसके ऊपर हम 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और तेल को भी अच्छी तरह से गरम करना चाहिए। और तेल भी गरम हो चुका है और अभी इसके ऊपर हम मछली डालेंगे। और बीच से हमें 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल इसके ऊपर डालना चाहिए, क्योंकि अभी मछली को हम पलटेंगे। ये अच्छी भल उठ कौन लगे पतला पतला।
और ये बन गया हमारा स्मॉल फिश फ्राई। और ये इसका खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा है, क्योंकि सरसों का पेस्ट इसमें दिया था, तो इसका खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा है और ये खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, ये आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप भी ऐसे रेसिपी ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छा लगेगा। और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।